इंदौर के रिगल चौराहे पर पाकिस्तान के नापाक हरकतों को लेकर सिंधी समाज सहित कई समाजजनों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के सामने 23 सितंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन एवं हत्या के विरोध में भारत के हर कोने में कड़ा विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर इंदौर शहर के रीगल चौराहे पर कई समाज सेवियों द्वारा कैंडल जलाकर पाकिस्तान की नापाक हरकतों के विरोध में उन सभी हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई जो पाकिस्तान में रहकर उनका जुल्म तले दबाए गए हैं। वहीं शहर के सांसद शंकर लालवानी ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के सामने 23 सितंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया है, जिसमें जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर पाकिस्तान के नापाक हरकतों पर एक आवाज में कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। गत दिनों पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं के मंदिर में और गुरुद्वारों में आक्रमण हो रहे हैं और हाल ही में 3 दिन पूर्व एक हमारी बहन की हत्या की गई। पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस विषय को मैंने लोकसभा में भी उठाया था और लोकसभा में उठाने के तुरंत बाद ही कुछ ही घंटों बाद वहाँ के प्रधानमंत्री जी का ये बयान आया था कि हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखे हुए हैं, इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं हो रही, अल्पसंख्यक अत्याचार नहीं हो रहा, ऐसा बयान आया था। लेकिन हमने देखा हाल ही में किस प्रकार एक गुरुद्वारे पे और एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई, आक्रमण हुआ। इन सब बातों के विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। आज देश के हर शहर में हमारी बहन को श्रद्धांजलि दी गई और पाकिस्तान के खिलाफ जो आक्रोश है वो व्यक्त किया गया। ये हमारे पूरे हिंदुस्तान का मैटर है, है ना, पूरे हिंदुओं का मैटर है, सिंधी समाज से मतलब नहीं है। आज पाकिस्तान में जो ये काम शुरू हो गया है इस तरीके से, कितना चाहिए कि इसको इतना नीच काम, इतना जो ऐसी हरकत हमने तो कहीं नहीं देखी है। इतने यहाँ पे हमने हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तानी रहते, कितने मुसलमान, आज तक सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन क्या ये इंसानियत है कि पाकिस्तान में आप धर्म परिवर्तित करवा रहे हो और इसीलिए हमने ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, और आप सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी बच्ची की कि आप उसके साथ धर्म परिवर्तन करा के कुकर्म करके उसकी हत्या की जा रही है। इतनी गलत बात है। इसीलिए नमो नमो शंकर, हमने ये ग्रुप ने ये काली पट्टी बांध के हमने ये फैसला किया कि यहाँ पे विरोध करना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें सबका अधिकार चाहिए। हमने यहाँ पर सब सारे ही समाज के पूरे सब लोग एकत्रित होके काली पट्टी बांधी हमने हाथ में। सर्वधर्म का ये है, सर्वधर्म की यही है मांग कि हमें हमारी जो है बात पूरी होनी चाहिए और हमें हमारा हक चाहिए, उस बच्ची का हक चाहिए, और ये अत्याचार अब नहीं सहन करेंगे। में जो बालिका नम्रता के साथ, जो क्रूरता के साथ भी उसकी हत्या की गई, जो हमारे सिंधी समाज की थी या यूँ कहें कि हिंदू थी वो, तो पाकिस्तान में ऐसी रोज घटनाएं हो रही हैं। तो आज हम लोगों ने भारतीय सिंधु सभा, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और नमो शंकरा द्वारा श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें केवल सिंधी समाज नहीं, शहर के और भी गणमान्य जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और पाकिस्तान में जो ऐसी घटनाएं हो रही है उस पर नाराज़गी व्यक्त की गई सभी लोगों द्वारा।